दोस्तों डेली यूज होने वाले हिंदी का इंग्लिश तो दोस्तों इस प्रकार है। पढ़ना लिखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों पढ़ना लिखना को इंग्लिश में रीड एंड राइट कहते हैं। नेक्स्ट है खेल करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों खेल करना को इंग्लिश में टू प्ले कहते हैं। नेक्स्ट है बात करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों बात करने को इंग्लिश में टू टॉक कहते हैं। नेक्स्ट है घर का पता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों घर का पता को इंग्लिश में होम एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है पैदल चलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों पैदल चलना को इंग्लिश में टू वॉक कहते हैं। नेक्स्ट है बाल बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों बाल बच्चों को इंग्लिश में किड्स कहते हैं। नेक्स्ट है बाजार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों बाजार को इंग्लिश में मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट है मंदिर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों मंदिर को इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं। नेक्स्ट है हंसना रोना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों हंसना रोना को इंग्लिश में लाफ कराए कहते हैं। नेक्स्ट है नापसंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों नापसंद को इंग्लिश में डिसलाइक कहते हैं। नेक्स्ट है नापसंद करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों नापसंद करना को इंग्लिश में टू डिसलाइक कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।